नमस्कार, मैं हूँ ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं पांच शहर पांच मुद्दा। आज के एपिसोड में मैं बात करने जा रही हूँ बिहार के नालंदा जिले मुख्यालय बिहार शरीफ का, जहाँ शहर को तो स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कितना स्मार्ट है ये शहर आप खुद देख लीजिए। ये नज़ारा है बिहार शरीफ शहर के वार्ड संख्या 34 का, जहाँ बरसात शुरू होते ही जल जमाव शुरू हो जाता है। यह समस्या एक बहुत बड़ी बीमारी का संकेत है और ऐसे में वार्ड पार्षद कैसे अनदेखा कर सकते हैं। नगर निगम की आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई है, जिन्हें शहर में ऐसी समस्या दिखाई नहीं देती है। स्थानीय मोहल्ला वासियों का कहना है कि हमारे वार्ड के हाजीपुर मोहल्ले में पिछले 15 सालों से जल जमाव की समस्या है। हम लोगों ने कई बार इस बात की शिकायत अपने वार्ड पार्षद से की है, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। हम लोगों ने पिछले साल भी इस जल जमाव की शिकायत की थी, लेकिन इस शिकायत का भी कोई असर हमारे वार्ड पार्षद के ऊपर नहीं हुआ। लगता है कि ये एक ऐसा वार्ड पार्षद है जो केवल चुनाव के समय ही लोगों के बीच दिखाई देता है, बाकी दिनों में लगता है कि इनका नाम लापता का कोई बोर्ड लिखवा दिया गया है, क्योंकि इनके अपनी कुर्सी से बहुत प्यार है। चुनावी दिनों के खत्म होने के बाद जनता अगर गड्ढे में भी गिरी हो तो इनको उससे कोई भी मतलब नहीं है। श्रवण कुमार, वार्ड नंबर 34 का एक आम नागरिक हूँ। ये मेरा वार्ड पार्षद राजेश जी है, जो पिछले 15 सालों से इनका कोई भी लुकआउट नहीं रहता है। हर साल यही गत रहता है, बारिश पहला ही बारिश से शुरू हो जाता है और पूरा ये भर जाता है, नाली वैसे ही भरा हुआ है। आम जनता को पूरा तकलीफ होता है डेली बेसिस पे। जैसे ही बरसात आता है, लोग को घुटना तक पानी में खेल के जाना पड़ता है। एंड देन आप देख लीजिए क्या स्थिति है। ये आज पहला बारिश हुआ, मानसून आया है और देन इतना पानी हो गया है। क्योंकि कि आप अगर जो मिड में जाएंगे, हम जुलाई या अगस्त में जाएंगे, तो क्या कंडीशन रहेगा। और ये लास्ट 15 ईयर से वो वार्ड पार्षद है, वार्ड नंबर 34 का वार्ड पार्षद है। तो आप देख लीजिए कितना गंदगी इधर है, पानी है, और इससे क्या होगा कि तरह तरह का बीमारियाँ फैलना शुरू हो जाएगा कोरोना के अलावा। अभी जैसे कि हम दो साल से पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, कोरोना पैंडेमिक से। लेकिन अभी अगर ये बारिश वगैरह आएंगे, कीचड़ है, गंदगी है, उससे चिकनगोनिया, डेंगू, बहुत सारा बीमारियाँ फैल जाएंगे, जो बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो अभी लास्ट ही वन वीक बिफोर राजेश जी से मेरा काफ़ी डिबेट हुआ था इस पर। लोग मतलब वो सुनते ही नहीं है। हमने बोला था कि हाजीपुर के लिए इसको तोड़वा के पूरा चैम्बरिंग किया जाए, मतलब लोहा का चैम्बर दिया जाए, जिससे क्या होगा कि जो पानी चौकड हो रहा है, जम रहा है, उससे चैम्बर से निकाल के, जो मलबा है निकाल के निकाल सकते हैं और देन पानी जा सकता है। तो कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। लास्ट वीक भी मैंने बोला और मैंने कितना बार भी उनको याद दिलाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हर एक साल ऐसे ही रहता है, सेम लास्ट 15 ईयर से यही गत है। आप पब्लिक से ही पूछ लो, आप इनके देख लो, आप पूछ लो, इनसे ही पूछ लीजिए, किन्हीं से भी पूछ लीजिए उधर। अभी ये पहला ही बारिश है। अगर जो हम मीड में जाएंगे जुलाई या अगस्त में, जब मानसून, जब बरसात आ जाएगा, तो इससे ही बुरा गत रहता है। मतलब घुटने तक पानी, नाली ऐसे ही बहते रहेगा, कोई आना नहीं चाहता इधर। ये स्थिति है और राजेश जी कहीं दिखते ही नहीं है, और बाद में बहुत सारा समस्या है, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा श्रवण कुमार, मैं वार्ड नंबर 34 से का निवासी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जनता को कोई भी तकलीफ ना हो। मतलब मैं जनता के लिए खड़ा हूँ। कभी भी मेरे जो भी, अभी जैसे एक केस हुआ था यहीं पे, सुनील चौधरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 40,000 रुपया का स्कैम कर दिया। मैंने वो भी मुद्दा उठाया, चाहे मतलब उस पर पब्लिकली ओपिनियन डिफरेंट आया, जैसे कि कुछ लोग बोले कि अच्छा हुआ, कुछ लोग बोले कि खराब हुआ। लेकिन हम, जो मेरे को सही लगता है, जो जनता के भलाई के लिए होता है, वो मुद्दा उठाते रहेंगे। अब आप नालंदा वासी ही बताएं कि जिस शहर के वार्ड पार्षद के आंखों पे विकास के प्रति पट्टी बंधी हो, तो कैसे होगा विकास, कैसे बनेगा शहर स्मार्ट। एक नए मुद्दे के साथ अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात।
तब तक के लिए देखते रहें आइडिया सिटी न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।